हेलो फ्रेंड्स, निर्मित क्लासेस में आपका स्वागत है। और आपके लिए यहाँ पे चार मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाया गया है एडवांस मैथ का। इसका मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा कि इसको कैसे बनाया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू कितना है? टू है, तो सेक थीटा का मान क्या होगा? देखिए, यहाँ पर आपका पहले क्या है, सेक थीटा। सेक थीटा को लिख सकते हैं क्या? सेक थीटा हो जाएगा एच बाय बी, ठीक है। प्लस टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं? पी बाय बी इक्वल टू कितना है? दो है। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, एच प्लस पी बाय बी इक्वल टू दो हो जाएगा। और यहाँ पे पूछा क्या है, सेक थीटा। सेक थीटा मतलब क्या होता है? एच बाय बी। एच बाय बी पूछा, एच बाय बी का वैल्यू क्या होगा, मतलब जो भी ऑप्शंस होगा उसमें क्या होगा, ऊपर एच होगा नीचे बी होगा, यही होगा। तो बस उसी हिसाब से आपको ऑप्शन से चेक करके बना देना है। तो ऑप्शन ए पहले रखिए, ए को चेक कीजिए। ए कितना है? पाँच बटे दो, मतलब ये आपका एच होगा और नीचे क्या होगा, बी होगा। तो यहाँ से आप पी निकाल सकते हैं। पी कितना हो जाता है? पाँच का स्क्वायर पच्चीस और दो का स्क्वायर चार, रूट अंडर उनतीस। तो यहाँ पे अगर पुट करेंगे आप तो ये कभी होगा क्या, एच पुट कीजिए यहाँ पे। एच कितना है? पाँच प्लस पी कितना निकला, रूट अंडर उनतीस बटे बी कितना है, दो। ये कभी दो देगा क्या? नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पे रूट अंडर उनतीस है, जो कभी निकलेगा नहीं बाहर, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। तो इसको मिटा दीजिए और ऑप्शन नंबर ए आपका नहीं होगा। अब आपको ऑप्शन नंबर बी चेक करना है, ठीक है। ये आपका गलत हो गया, ऑप्शन नंबर बी चेक कीजिए। बी बी कितना है? पाँच बटे चार, मतलब क्या हुआ, ये आपका एच है और ये नीचे क्या है, बी, ठीक है। अच्छा, तो पी कितना हो जाएगा? पी हो जाएगा कितना, पाँच का स्क्वायर पच्चीस, चार का स्क्वायर सोलह, तो ये हो जाएगा नौ, मतलब तीन। अब इसको पुट करके देखिए ये सेटिस्फाइड कर रहा है क्या। तो एच कितना है? पाँच। पी कितना निकला? तीन। बी कितना है? चार। चार पाँच तीन आठ बटे चार, ये बिल्कुल दो आ रहा है, और जो कि यहाँ पे दो है, तो ऑप्शन नंबर बी ही इसका राइट हो जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन से आपको बना देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेन टू थीटा इंटू टेन फोर थीटा इक्वल टू वन है, तो टेन थ्री थीटा का मान कितना होगा? देखिए एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि टेन 30 इंटू टेन 60 कितना देता है? हमेशा 1 देता है। टेन 30 का वैल्यू कितना होता है? 1 बाय रूट थ्री, और टेन 60 का वैल्यू होता है रूट थ्री, इसलिए रूट थ्री कैंसिल हो जाता है, इसलिए हमेशा क्या देता है, 1। तो हमेशा याद रखना है ये फॉर्मूला, टेन 30 इंटू टेन 60 हमेशा क्या देगा, 1 देगा। तो यहाँ भी वही चीज़ देखिए, टेन 30 होना चाहिए और टेन 60, तभी तो 1 आया, मतलब क्या है, टू थीटा का वैल्यू आपको क्या होना चाहिए, 30 डिग्री। नहीं, ये देखिए, टू थीटा 30 होगा और फोर थीटा 60 होगा, तभी तो आपका 1 देगा, मैंने अभी तो बताया। तो टू थीटा 30, तो थीटा का मान कितना, 15 डिग्री हो जाएगा। अब बस अब यहाँ पे पुट कर देना है, तो टेन थ्री थीटा और थीटा का वैल्यू 15 है, तो 15 गुना 3 45, और टेन 45 कितना देता है, 1 देता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेन रूट थ्री मीटर ऊंचे एक भवन के शिखर से देखे गए दो बिंदु पी तथा क्यू है। देखिए एक टेन रूट थ्री मीटर क्या है, ऊंचा एक भवन है, इससे दो बिंदु देखा गया, एक पी है और एक क्यू है, ठीक है, ये बिंदु को नीचे देखा गया। अब लिखा है कि यदि उन बिंदुओं के अवनमन कोण परस्पर पूरक हैं। अवनमन कोण क्या होता है, ये जो आपका नीचे बन रहा है ये अवनमन कोण है। अब पूरक क्या होता है, पूरक होता है कि जब दो कोण का जोड़ 90 डिग्री हो, मतलब अगर मान लेते ये 60 है तो ये कितना हो जाना होना चाहिए, 30। अगर ये आपका 45 है तो ये कितना होना चाहिए, 45, मतलब दोनों का जोड़ कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए, इस तरह से आपको याद रखना है। मान लेते ये अगर थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब लिखा है कि पी क्यू कितना है, 20। पी क्यू कितना है, 20, ये इतना दूरी 20 है। तो आपसे पूछा कि तो बिंदु पी से उस भवन की दूरी क्या है, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से इस भवन की दूरी क्या हो जाएगा, यहाँ तक, ठीक है। तो इसको कैसे निकालते हैं, देखिए इसके लिए एक ट्रिक आपको अपनाना है। आपको क्या करना है इस ट्रिक में, देखिए हमेशा याद रखना, इस ट्रिक में आपको क्या करना है, टेन रूट थ्री पहले लिखना है भवन की ऊंचाई, ठीक है, बटे बटे आप क्या कीजिए, ये मान लीजिए, ये दूरी आपको मान लीजिए x है, ये दूरी कितना है x, ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, x कर दीजिए इक्वल टू। अब क्या करना है, अब आपको नीचे का दूरी टोटल,
यानी कि 20 प्लस एक्स, यहाँ तक दूरी कितना हो जाएगा, ये आपका 20 है, यहाँ तक 20 है और ये x है, तो 20 प्लस एक्स लिख दीजिए ऊपर में यहाँ पे, और नीचे क्या लिख दीजिए आपका टेन रूट थ्री, बस यही चीज़ करना है। अब देखिए ये दोनों मल्टीप्लाई होगा कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 300 इक्वल टू एक्स इंटू 20 प्लस एक्स। अब क्या करना है, अब x का वैल्यू जो है आपको यहाँ पे रख के देखना है। देखिए अगर x का वैल्यू यहाँ पे अगर 10 रखते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे अगर 10 रखेंगे तो इधर कितना हो जाएगा 30, और 10 गुना 30 बिल्कुल ये 300 देता है जो कि यहाँ पे है, तो x का वैल्यू पता चल गया कितना है 10। ठीक है, आपसे पूछा है P से यहाँ तक का दूरी, ठीक है यहाँ तक का, तो ये x 10 और ये 20, तो कितना हो जाएगा 30 डिग्री, इसका राइट आंसर होगा 30 मतलब मीटर, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 48 नंबर। 48 कैसे बनेगा तो समझना है, एक चीज समझना है पहले कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए तथा बी पूरक कोण हो तो इतना का वैल्यू आपको पूछा है क्या होगा, इतना का मान, तो इसको कैसे निकालेंगे। पहले तो मैंने बताया पूरक क्या होता है, पूरक होता है कि दो कोणों का वैल्यू कितना हो, 45 हो, मतलब एक ए है दूसरा कितना है बी, दोनों का योग कितना हो, सॉरी 90 होना चाहिए, ठीक है दोनों का जोड़ कितना होना चाहिए 90। तो आपको ये क्वेश्चंस बनाने के लिए हमेशा क्या करना है कि मान लीजिए ए है 45 और बी कितना है 45, बस इसमें आपको टोटल में पुट कर देना है 45 डिग्री, ए 45 और बी 45, आपका आंसर आ जाएगा। तो कैसे करेंगे देखिए, साइन 45 कितना देता है 1/√2 इंटू कॉस 45 कितना देगा 1/√2। ठीक है, तो ये देखिए प्लस उसके बाद है कॉस 45, कॉस ए मतलब कॉस 45 1/√2 ये भी देगा और साइन 45 1/√2 ये भी दे देगा। ठीक है, माइनस उसके बाद है टेन ए, टेन 45 कितना देता है, ये देता है 1 और टेन बी मतलब टेन 45 फिर से 1। ठीक है, प्लस और सेक 45 कितना देता है, तो सेक 45 देता है √2 और √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2। माइनस कॉट 45 कितना देता है, तो कॉट 45 देता है 1 और 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 ही। अब देखिए ये दोनों मिलकर कितना दे देगा 1/2 दे देगा, ये दोनों मिलकर कितना दे देगा, ये भी 1/2 देगा। ठीक है, माइनस ये दोनों मिलकर कितना देगा 1। ठीक है, प्लस और ये दोनों मिलकर कितना देगा 2-1 1। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखिए ये दोनों मिलकर कितना दे देगा, ये देगा 1 और पहले यहाँ तो ये दोनों कट जाएगा क्योंकि माइनस में है और प्लस में, तो एक वैल्यू 1 बचा, तो इसका 1 इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसको ट्रिक से बना लेना है, वैल्यू रख के आपको हमेशा इस तरह से बना लेना है, ईजी ट्रिक में आपसे बन जाएगा। ठीक है, तो ये था आज का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टोटल यहाँ पे 4 क्वेश्चंस लिया गया था एडवांस मैथ का, मैंने इसका ट्रिक्स बताया कि इसी टाइप से आपको एग्जाम में सॉल्व करना है इसी तरह कम टाइम में। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।